हेलो फूडिस्ट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक खारी बावली, और जहाँ से मैं लाऊंगी मसाले। कई तरह के मसाले मिलते हैं वहाँ पर, जो हमें यहाँ पर भी नहीं मिलते वो वहाँ मिल जाते हैं। तो ख़ास तौर पर पीली मिर्ची, जो मेरे को कई जगह चाहिए होती है और मेरे को यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो वो मैं लेने जा रही हूँ। और वहाँ से ड्राई फ्रूट भी मिलता है, रेट बहुत रिजनेबल मिलते हैं। तो चांदनी चौक खारी बावली जाती हूँ और आप लोगों को वहां से हो सका तो दिखाऊंगी कि मार्केट कैसी है, नहीं तो घर लाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या मसाले लाई हूँ। कोशिश पूरी करूंगी आपको मार्केट की एक झलक जरूर दिखाऊं। तो मैं जा रही हूँ, आकर मिलती हूँ। अभी हम नटराज वाली गली में, जो कि मेट्रो से सीधी शनिदेव के मंदिर से नटराज वाली गली में आती है, जो कि भल्ले वाला है, बहुत मशहूर। तो अभी हम रिक्शा लेते हैं और चलते हैं खारी बावली। तो ये पूरी गली जो है, ये है चांदनी चौक की, और यहाँ से काफ़ी सारे रिक्शे मिल जाते हैं जो कि हमें खारी बावली छोड़ देंगे। भैया खारी बावली, ओ आज सोमवार है और मार्केट में इतना रश भी नहीं है, ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि छठ पूजा निकल गई, भैया दूज निकल गया, दिवाली निकल गई, तो इतना रश नहीं है। आराम से हम लोग बाजार में जो शॉपिंग करनी है कर सकते हैं। होलसेल है यहाँ पर, आपको चाय पत्ती खुली भी मिलेगी, हर तरह की मिलेगी। और ये देखिए लाइन में पूरी ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। ये देखिए जहाँ देखेंगे वहीं सारा ड्राई फ्रूट्स है। ये देखिए काले वो होते हैं, ये लाल वाले काजू, बादाम, अखरोट गिरी, किशमिश। ये देखिए मखाने, कितना बड़ा पूरा भरा पड़ा मखानों का। और ये देखिए ये गोले, जहाँ देखिए वहीं ड्राई फ्रूट ही है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मसालों की शॉप, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो मुझको लेना नहीं है अभी, अभी मेरे को मसाले ही लेने हैं। इस तरह से ये पैकिंग भी मिलती है ड्राई फ्रूट्स की, बहुत तरह के डिब्बे मिलते हैं ड्राई फ्रूट के पैक करे हुए, जो आप लोग शगुन वगैरह में देना चाहते हैं इस तरीके से आपको खाली डिब्बे भी मिल जाएंगे। खाली डिब्बों में सामान आप अपनी मर्जी का भरवा सकते हैं अच्छे से अच्छा। और ये देखिए जहाँ नज़र डालेंगे वहीं सिर्फ ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट है, और काफ़ी रिजनेबल रेट पर मिल जाता है आपको। अभी मेरे को लेना नहीं है इसलिए मैं रेट भी पता नहीं कर रही, पर ये देखिए अखरोट जो है आपको रेट दिखा देती हूँ, 560 रुपये। और बादाम टुकड़ा, अखरोट टुकड़ा गिरी जो है 600 रुपये, मिश्री धागे वाली, काफ़ी कुछ मिल जाता है। ये है दालचीनी, मखानों के बड़े बड़े बोरे भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो इतना ड्राई फ्रूट आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगा खारी बावली। और अब हम आ गए मसालों वाली जगह पे। तो मसाले वाली जगह ये बहुत रश होता है यहाँ पर, मैंने आपको कहा था कि अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मसाले आ गए, काली मिर्ची, जीरा, मोटी इलायची, लौंग, खड़ा धनिया, खड़ी हल्दी। और यहाँ पर आपको मसाले, ड्राई फ्रूट सब कुछ मिक्स मिल जाएगा। और ये है कई तरह के पापड़, जैसे ये फूल पापड़ है, ये चिप्स है, ये आलू के, ये भी आलू के, ये साबूदाने का है, ये आलू का है, और ये वाला किस चीज़ का है? तो काफ़ी तरह के यहाँ पर इनके पास ये हैं। और ये देखिए ये क्या है भैया? सनफ्लावर। ये खरबूजे के, वो तरबूज के नहीं, ये कद्दू का बीज, ये कद्दू के। और ये अलसी है, ये अलसी है। तो
यहाँ पर काफ़ी सारी खुली चीज़ें हैं जो मेरे को लेनी है। और ये देखिए, ये है कश्मीरी वाली लाल मिर्ची और बहुत अच्छी होती है। ये कौन सी मिर्ची है भैया? ये कौन सी मिर्ची है? ये सॉस के लिए है। सॉस के लिए जो सॉस बनाते हैं, ये कह रहे हैं सॉस के लिए मिर्ची है। और ये मिर्ची देखिए कितनी बढ़िया और लाल वाली है, बहुत ही बढ़िया। तो देखती हूँ, लेकर जाती हूँ, बना के देखेंगे। ये खड़ा धनिया है, मेथी दाना है, दालचीनी है। इस तरह यहाँ पे सब कुछ खुला मिलता है। खुले में आपको यहाँ पे पोहा भी मिलेगा और जीरा भी मिलेगा, मूँगफली दाना भी मिलेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सामान लेना है या आप मसालों का काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विज़िट करिए और खारी बावली आइए, कई दुकानों पे रेट पता करिए और फिर सामान लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि क्या रेट है। थोड़ा लेंगे तो थोड़ा सा, अगर थोड़ा थोड़ा लेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क रहेगा आपको, मतलब 10-15 रुपए का फ़र्क पड़ेगा। और ज़्यादा होलसेल में लेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप लोग अगर होलसेल में ये काम करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइए इस मार्केट में और ज़रूर आकर देखिए कि क्या आपको किस रेट पर मिल रहा है। तो मैं अभी ख़रीद लेती हूँ सामान और फिर घर जाकर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो खारी बावली से मैं जो सामान लाई हूँ वो है ये कश्मीरी वाली लाल मिर्ची। तो जो कश्मीरी लाल मिर्ची होती है ना, वो इस तरीके से ऊपर से आपको खुरदरी सी लगती है और जो नॉर्मल लाल मिर्ची होती है साबुत, वो एकदम प्लेन लगती है। तो ये चाहिए थी मेरे को, मैं ये लाई हूँ, ये देखिए। और ये मेरे को मिली है 120 रुपये की 200 ग्राम, बहुत सस्ती मिली है, यहाँ बहुत महंगी मिलती है। ये है जीरा और बहुत ही अच्छा और एकदम साफ जीरा है। और जीरा जो मिला है मेरे को 250 ग्राम 60 रुपये का, तो 60 रुपये का 250 ग्राम, आप हिसाब लगा लीजिएगा जब आप यहाँ से सामान लाते हैं तो आपको कितने का पड़ता है। ये है अजवाइन, एकदम साफ और बहुत ही बढ़िया देखकर ली है मैंने। तो अजवाइन जो आई है 30 रुपये की 100 ग्राम, 30 रुपये की 100 ग्राम और बहुत ही बढ़िया अजवाइन है। और ये है साबुत धनिया, तो जो साबुत धनिया है वो मेरे को मिला है 55 रुपये का 250 ग्राम। तो और ये मैंने मूंगफली दाना लिया है, तो जो मेरे को दाना मिला है ये मिला है मेरे को 60 रुपये का आधा किलो। और ये जोत बत्ती मिल रही थी तो ये भी मैंने ले ली, ये 10-10 रुपये की मिली है। ये नागौरी की स्पेशल कसूरी मेथी, तो ये इतना बड़ा पैकेट है, ये देखिए इसमें है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम कसूरी मेथी बहुत ही साफ सुथरी और एकदम हरी भरी। तो ये मेरे को मिला है वहाँ से 100 रुपये का पैकेट, ये देखिए।